कांग्रेसी नेताओं के सामने घुटने पर बैठने वाले अधिकारियों का रातोंरात ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं कांग्रेसी नेता अब अधिकारियों के बचाव में आ गए हैं। साथ ही बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंदौर में राजवाड़ा पर कांग्रेस विधायकों के धरने के दौरान घुटने टेकने वाले SDM और CSP को देर रात शासन ने आदेश जारी कर हटा दिया है। दोपहर में इस वाकये का वीडियो जारी होने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने SDM को नोटिस जारी कर उनका आचरण पदीय गरिमा और प्रशासनिक आचरण के अनुरूप नहीं होने का हवाला देते हुए जवाब मांगा था। वहीं देर रात भोपाल से जारी हुए आदेश में दोनों का तबादला कर दिया गया। वहीं कांग्रेस विधायक अधिकारियों के बचाव में मैदान में कूद पड़े हैं। ये देखिए प्रशासन में SP CSP भी कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मतलब उस आज देखिए कोई अधिकारी हमारे पास आने में डर रहा है, हमको कागज देने में डर रहा है, इसलिए डर रहा है कि हम कब हमारा ट्रांसफर हो जाए, क्या हो जाए। तो इसका मतलब ये है अंग्रेजों के जमाने में जो शासन चलता वो आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से चलवा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद सरकार चला रही है। अधिकारी IAS IPS नहीं है, आज देखिए सब लोग डर गए हैं, उस डर को दूर करने के लिए आज उनके पास आए जिनने हमको कार्रवाई करी। SP SDM को बेचारे ने वो हमको सम्मान करने आए थे, हम धरने पर नीचे बैठे हुए थे जमीन पर, तो जमीन पर नीचे झुक के हमसे बात कर रहे थे तो उनको ट्रांसफर कर दिया। ऐसा हो गया, स्थिति हो गई है तो आम आदमी जनता साथ क्या होगा। जो जनप्रतिनिधि एक हम जनता के लिए बैठे थे, क्योंकि हजारों लोगों को जो बाजू चल रहा है पूरे ये स्पोर्ट हो चुका है। कल मैंने चार लोगों को एक दिन साथ बात करी है, चार लोग बीमार हो चुके हैं, चार लोग उल्टी हो रही है, तो मैंने उनसे वो करा कि भी आप लोगों से जांच करवाए, मैं जांच कराऊंगा, इसमें कोई मरता है और कुछ भी करता है इसमें जवाबदार पूर्व विधायक होंगे या मुख्यमंत्री खुद होंगे इसके जवाबदार। मैं समझता हूँ तीन विधायक वहाँ थे, उस धरने के अंदर बैठे थे, संवैधानिक पद पर है। दूसरी चीज कोरोना जो है उस कारण से, ये जो कोविड चल रहा है उस कारण से सभी व्यक्तियों के मास्क लगे हुए थे, एक दूसरे की आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी। उनने सिर्फ एक शिष्टाचार के नाते पास में आए बात कर, एक दूसरे की बात करने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि एक दूसरे ने मास्क पहन रखा था, आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई उल्लंघन किया है। ये कहीं ना कहीं तानाशाही सीधी दर्शाती है। एक व्यक्ति अगर पास में आके बैठ भी गया है तो ये कोई गलत उसने कृत्य नहीं किया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि किसी अधिकारी के नीचे बैठकर बात करने से यह साबित नहीं होता कि वह घुटनों के बल बैठा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को कई तरह की परेशानी हो सकती है। मैं मानता हूं कि इन सब के बावजूद जितने अधिकारी हैं जो घुटने के बल बैठ गए, ये बैठ गए, नीचे बैठे हुए आदमी से नीचे बैठकर ही बात हो सकती है। किसी का पेन टाइट होता है, किसी के घुटने में प्रॉब्लम होती है, इस तरह का मोटिव बनाना नकारात्मक है। और ख़ासकर BJP के हमारे साथी, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ये लड़ाई पॉजिटिव है, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। मेरी आपने इतनी बात कही हमारी, एक बार सुदर्शन गुप्ता को क्रिटिसाइज कर देते तो अच्छा रहता। वहीं BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि पता नहीं क्यों इस घटना को इतना सीरियस ले लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पता नहीं क्यों लोगों ने इतना सीरियस लिया, फिर तो मैं समझता हूँ कि नौकरशाही को ऐसे घुटने टेक के रखना कि उसमें बड़ी बात है, तो आपत्ति उठाने वाली क्या बात है। कुल मिलाकर अधिकारियों के ट्रांसफर पर सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस शिवराज सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।